हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेल फंडामेंटल गुड रिटर्न स्टॉक, जिसमें मेरा होल्डिंग 24 रुपीज़ से है, एलटी फूड शेयर के बारे में। दोस्तों, ये मैं पिछले साल ही इसको एक भाई के रिकमेंडेशन पे मैंने बाई किया था। तब उन्होंने बोला था कि 24 में इसको बाई करके रखने के लिए, आज वो 72 हो गया। एलटी फूड आप देख सकते हो, ये आने वाले टाइम पे अभी से भी आपका 3 गुना करने का टारगेट दिया हुआ है। ब्रोकर हाउस ने 186 का टारगेट, इतना बड़ा टारगेट दिया है दोस्तों एल के पी सिक्योरिटी ने, और ये टारगेट अचीव होता रहेगा, इसी साल में अचीव हो जाएगा दोस्तों। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है लो में है, रिटर्न ऑन एफडी भी अच्छा है, डिविडेंड्स उतना अच्छा देता नहीं है, एंट्री पॉइंट गुड है और एजीएम लिस्ट में है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पी देख सकते हो 12 है, जो सेक्टर पी 6 है, तो ये और आने वाले 6। ये कंपनी क्या करता है, कंपनी बासमती प्रोडक्ट, देखो एक्सपर्ट की राय है 100% बाई करने का, और ये 100% बुलिश है एक्सपर्ट इस स्टॉक को लेके। तो टिकट टेप में आप देख सकते हो 100% बुलिश है एक्सपर्ट इस को लेके। हर जगह पे, हर एक कंट्री में ये एक्सपोर्ट करते हैं बासमती कारीकारी चावल, तो ये राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। आप जानते हो कि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा, लॉकडाउन के चलते लोग ज़्यादा से ज़्यादा चावल अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। लो प्रमोटर प्लेस्ड होल्डिंग है, बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मैंने बोला था, कारीकारी मैनुफैक्चर चैट द मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी सोनीपत का हरियाणा का है, और सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट कंट्री में, और यूरोपियन कंट्री में भी इससे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आया हुआ है दोस्तों। जस्ट लेटेस्ट मैं न्यूज़ बता रहा हूँ 24 अप्रैल 2021 का। इसके बाद इसमें सर्किट भी लग सकता है दोस्तों, लेकिन सर्किट लगने के बाद भी ये स्टॉक आपको बाइंग का फुल अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि मैंने बोला था, ऑस्ट्रेलिया और यूएई में देखो, अब इसका बासमती जो राइस है वो आपका बहुत ज़्यादा बल्क ऑर्डर मिला हुआ है एक्सपोर्ट का, तो ये बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। जब मेरा भी बहुत ज़्यादा रिटर्न अब हो चुका है, तो मैं बहुत नीचे से होल्ड करके रखा हूँ। आरओसी 13% है, आरओई 13% है, लेकिन मेरा ज़्यादा क्वांटिटी बाइंग नहीं है दोस्तों। आप अपना ऐसा गुड मैनेजमेंट स्टॉक है जो 50 डेज डीएमए में टच करके देखो बाउंस बैक और ब्रेकआउट दिया है, तो ये 200 डीएमए तक आता ही नहीं है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो हर साल बढ़ रहा है, और हर साल 50-20 ऐसे करोड़ का प्रॉफिट में बढ़ रहा है। और ड्यू टू लॉकडाउन और कोरोना के चलते ये स्टॉक और आगे जाएगा दोस्तों। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे पूरा नॉर्मल लाइफ होगा, और ज़्यादा डिमांड होगा, और ये अपना 186 क्रॉस करके 200 तक भी जा सकता है दोस्तों इस साल के लास्ट में। तो जस्ट 6-7 महीना होल्ड करने में अगर 3 गुना यहाँ से डायरेक्ट आपका पैसा हो रहा है, तो ऐसा वीडियो में ला रहा हूँ दोस्तों, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। 13% आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, ये बेस्ट है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, ये बेस्ट है एज ए एम्प्लॉयर, एज ए स्टूडेंट, सारे लोग बाई कर सकते हो दोस्तों। प्रोमोटर होल्डिंग देखो अच्छा है, और डीआईआई पब्लिक का भी होल्डिंग अच्छा है, तो लाइक करो।